नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अप्रेंटिस पोर्टल के द्वारा ओनली गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे अप्रेंटिस पा सकते हैं, अप्रेंटिस पाने के बाद आप वहाँ पे कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप सीधे गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की संस्था हो, वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ डायरेक्टली आप अप्रेंटिस के लिए अप्रेंटिस वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे आप इस ट्रिक के द्वारा सीधे गवर्नमेंट संस्थान में अप्रेंटिस पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा और सामने बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अप्रेंटिस पोर्टल पे सीधे सीधे किसी भी सरकारी संस्थान में अप्रेंटिस पा सकते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। जितने भी ईयर का है आपका, वन 6 महीने का है, 1 ईयर का है, साल भर का है, 2 साल का है, जितने भी दिन का है आप वहाँ से ट्रेनिंग पा सकते हैं। उसके बाद वहाँ से आप अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी पा सकेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको NCVTMIS पोर्टल पे आना होगा। NCVTMIS पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको एस्टेब्लिशमेंट का टैब आ रहा है। इसमें आपको एस्टेब्लिशमेंट सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एस्टेब्लिशमेंट सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, इतने सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट नेम आ रहा है। अगर आपको पता है किस संस्था में जगह खाली है तो यहाँ पे आप उस संस्था का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे रीज़न आप डाल दीजिए। हमें जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का चूज़ करना है कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करना है कि वहाँ पे जगह खाली है कि नहीं खाली है। अगर खाली है तो वहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे पता करेंगे किस किस गवर्नमेंट संस्थान में जगह खाली है और वहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ हम अपने रीज़न की बात करते हैं। कानपुर में आता है, उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारी जो है वो गाजीपुर है, तो हम गाजीपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप रहा BTP फैसिलिटी अवेलेबल, छोड़ दीजिए। सेक्टर आप छोड़ दीजिए, ट्रेड टाइप छोड़ दीजिए, ट्रेड भी आप छोड़ दीजिए। इंडस्ट्री टाइप चूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ कर सकते हैं, किस इंडस्ट्री में आपको जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, सर्विसिंग में जाना है, ट्रेडिंग या अदर कोई कंपनी है तो नहीं तो छोड़ दीजिए। इस्टेब्लिशमेंट टाइप आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सर्च करना है किस टाइप के आप इस्टेब्लिशमेंट में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, सेंट्रल PSU में जाना चाहते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना चाहते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट PSUs में जाना है आपको, तो इसमें आपको जिस भी सेक्टर में जाना है वो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। मान के चलिए कि हमें सबसे पहले सर्च करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी अप्रेंटिस है वही मुझे सेलेक्ट करनी है, उसी में से मुझे जाना है, तो हम इस पे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट डीलिंग विद नेचर रिसोर्सेज को छोड़ दीजिए, ऑपरेटिंग इन 4 मोर स्टेट इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ सीट अवेलेबिलिटी का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको यस कर देना है, ठीक है। एजेंसी कोड छोड़ दीजिए। इतनी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए, हमने सर्च पे क्लिक किया तो एक रिकॉर्ड हमें फाउंड हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए करंट सीट कुछ नहीं दिखा रहा है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, ब्लू कलर का आ रहा है, उसमें जब आप माउस का कर्सर ले जाएंगे तो अंडरलाइन आ जा रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे चले आइए आप, यहाँ देखिए ट्रेड्स दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, बॉयलर, कारपेंटर। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए और भी पेजेस हैं, जो भी आपसे रिलेटेड है उस पेज पे आप जाके, मान के चलिए और पेजेस दिखा रहे हैं तो आप पेजेस पे जाके क्लिक करेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पता चलेगी। तो यहाँ देखिए, फीटर के लिए आपका टोटल सीट 10 है, अवेलेबल सीट 10 है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको कैसे पता करना है।
ये देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बता दी जिससे कि आप पता कर लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी पोस्टेस खाली हैं। अब यहाँ पे हमको स्टेट गवर्नमेंट हम चूज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ सीट अवेलेबिलिटी आप यस रहने दीजिए, उसके बाद सर्च पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए 0 रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है स्टेट में। अब देखिए दोस्तों, ये तो था कि मैंने अपने खाली डिस्ट्रिक्ट के लिए चूज़ किया था। अगर हम यहाँ पे हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज़ नहीं करते हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं एज इट इज़, तो जो भी हमने स्टेट यहाँ सेलेक्ट किया है तो उस स्टेट के जो भी हम यहाँ इस्टेब्लिशमेंट टाइप में सर्च करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम सर्च करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी अप्रेंटिस होंगी सारी यहाँ पे लिस्ट में दिखा देगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस ट्रिक में जो है कि आपको ये सीट अवेलेबिलिटी हमेशा यस रखना है, अगर नो कर देंगे तो आपको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम अब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी वैकेंसीज अप्रेंटिस की सीट खाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संस्थाएं चलाई जा रही हैं उसमें, तो हम यहाँ सर्च पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 38 रिकॉर्ड हमें मिल गए, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट नेम आ गए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं सब में वैकेंसीज खाली हैं, तो किसी पे भी हम क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम किसी पे भी, ये देखिए कोच डिपो रेलवे लखनऊ जंक्शन, यहाँ पे देखिए हमारे पास फीटर में 7 सीट अवेलेबल हैं, कारपेंटर, इसी तरह से आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने के बाद मैं बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ देखिए मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट कर लेता हूँ यस, मेरे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जो भी है। तो यहाँ पे देखिए EDD 1 गाजीपुर पे मुझे अप्लाई करना है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो आ जाती है ये आ जाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो इसको मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आ जाती है। तो ये देखिए आ गया हमारा, तो ये जो वैकेंसी है वो बिजली विभाग की है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो इससे घबराने की बात नहीं है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ देखिए वैकेंसीज दिखा रहा है इलेक्ट्रीशियन फिटर की, मुझे अब इलेक्ट्रीशियन में अप्रेंटिस करना है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, यहाँ देखिए सबसे आगे जो है जो भी ट्रेड है अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप के लिए ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपना अप्रेंटिस नंबर डालना है, ये हमने फिलअप कर दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करनी है, यहाँ हम अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे हमें ईमेल आईडी फिलअप करनी है, तो यहाँ हम अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ हमें कैप्चा कोड भरना है, यहाँ कैप्चा कोड हम भर देते हैं। उसके बाद हमें अप्लाई पे क्लिक कर देना है, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए येलो कलर का एक राइट हैंड साइड में बॉक्स बन के आ गया है, यहाँ देखिए लिखा है अप्लाइड सक्सेसफुली बट योर आधार UID इज़ नॉट अवेलेबल, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी जनरेटेड अंटिल यू अपडेट द आधार। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम दिखा रहा है कि जिनका आधार नंबर नहीं है उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो पाएगा, तो लेकिन इस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे साफ साफ मैसेज आ गया है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा प्रोसीजर कि किस ट्रिक से आप सीधे गवर्नमेंट संस्था में एक तो अप्रेंटिस सर्च कर सकते हैं, उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप पूरे स्टेट में आप सर्च करना है, तो पूरा मैंने बकायदे आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो इस वीडियो को जो है पूरा आप देखिएगा, ये नहीं कि आप देखने बैठे हैं कुछ स्टेप आपने देखा फिर आपने कहा कि भाई मुझे तो पूरी जानकारी मिल गई है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी, तो ये चीज़ें आपसे सर्च नहीं हो पाएगी, नहीं आपको मिलेगा, तो बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके कहेंगे कि भाई मैं आपको गलत जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो दोस्तों जब भी आप देखिए 10 वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया है तो उससे घबराइए मत, 10 मिनट बस आपको समय देना है, पूरा वीडियो आप देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और कमेंट करना ना भूलिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कमेंट करने से कौन रोक सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।